एवरीवन, हाय, मैं हूँ प्रीना। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ऑफ लाइफ विद प्रीना में सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज का हॉल मीशो फ्लिपकार्ट मिक्स हॉल होने वाला है। 6 to 7 आउटफिट सीखने वाले हैं। अगर आपको आज के हॉल में से कुछ भी बाय करना है तो मीशो के कोड्स और फ्लिपकार्ट के लिंक आपके लिए है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन आज का हॉल वीडियो सिर्फ क्लोथिंग हॉल वीडियो नहीं होने वाला है। आप देख सकते हैं मैं काफी अच्छे से रेडी होके बैठी हुई हूँ। तो आज का हॉल वीडियो गेट रेडी विद मी भी होने वाला है। मैं आप लोगों को ये सुंदर सा ब्यूटीफुल सा जो मेकअप है ये करके बताने वाली हूँ, क्योंकि इन दिनों फिर से कमेंट सेक्शन में काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि उनके घर में शादी है और उनको मेकअप करना नहीं आता है, या उनको मेरा पसंद आता है मेकअप व्यूवर्स को, तो वो ये चाहते हैं कि मैं एक बार एक मेकअप लुक जो है क्रिएट करके दिखाऊं, ताकि वो समझ सके कि भाई मेकअप कैसे किया जाता है। आज का जो मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है, इसके दो बेनिफिट्स हैं। एक तो मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट्स के साथ में ये जो मेकअप लुक है क्रिएट किया है, और साथों साथ बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ में मैंने ये मेकअप लुक जो है क्रिएट किया है। तो आज का हॉल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये मेकअप लुक करके बताऊं कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे purple.com से है। अगर आपको बाय करने हो तो प्रोडक्ट्स के जो लिंक है आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए बिना देरी के हमारा आज का इंटरेस्टिंग हॉल वीडियो आप स्टार्ट करते हैं। तो पर्पल पे चल रही है बैंड बाजा ब्यूटी सेल, और ये सेल 12th नवंबर से स्टार्ट हुई है और 20th नवंबर तक है। इसमें आपको अप टू 50% तक का ऑफ देखने के लिए मिलेगा एंटायर पर्पल कॉस्मेटिक रेंज पे। तो अगर आप पर्पल के प्रोडक्ट्स बाय करना चाहते हैं तो इस सेल में बाय कीजिए और आपके काफ़ी सारे पैसे बचाइए। ये जो मेकअप लुक मैं आपको करके दिखा रही हूँ ना, अगर आप इसको करना सीख जाए ना तो 15 मिनट में आप ये मेकअप लुक जो है क्रिएट कर सकते हैं। और आपका जो भी फेवरेट मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन है वो आप फेस पे अपने लगा लीजिएगा। मैं आपको कलर करेक्शन से सीधा स्टार्ट करके बता रही हूँ कि अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं या डार्क स्पॉट्स हैं तो आपको उन्हें कैसे छुपाना है। तो मेरे डार्क सर्कल्स को छुपाने के लिए मैं पर्पल का कंसीलर पैलेट ले रही हूँ, और उसमें से आप देख सकते हैं ऑरेंज शेड जो है वो मैं अपने अंडर आइज के नीचे लगा रही हूँ। ये मैं थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में लगाऊंगी क्योंकि इससे मेरे डार्क सर्कल्स जो है बहुत अच्छे से हाइड हो जाते हैं। और अब एक मेकअप स्पंज की हेल्प से मैं इस ऑरेंज कलर के कंसीलर को बहुत अच्छे से अंडर आइज पे सेट कर लूंगी। अभी बेशक आपको देखने में अजीब लगे बट ये कंसीलर पैलेट आपके बहुत काम का है, क्योंकि इसमें आपको कंसीलर मिलता है, करेक्टर भी मिलता है और कॉन्टोरिंग शेड भी मिल जाता है। तो एक ही पैलेट आपका बहुत सारा काम कर देता है। अब मैंने क्या किया है, येलो शेड को सिलेक्ट किया है और अपना जो अंडर आई है मैं उसे हाईलाइट करूंगी। तो येलो शेड इसमें हाईलाइटिंग का काम करता है। तो इस तरीके से आप देखिए मैं ब्लेंड 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 करती जाऊंगी, और कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने अपने डार्क सर्कल्स को हाइड कर लिया है। अब बात करते हैं डार्क स्पॉट्स को छुपाने के लिए। जो फेस पे रेडिशनेस होती है ना, उसको छुपाने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है कंसीलर पैलेट में से ग्रीन शेड, और वहाँ वहाँ लगाना है जहाँ पे आपको एक्ने स्कार्स के डार्क स्पॉट्स हैं या फिर आपको पिंपल्स का रेडिशनेस है, उस जगह लगाइए और अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ। बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पल का हाइड एंड सीक क्रीमी टू पाउडर फाउंडेशन कंसीलर स्टिक, और ये OMG वाले फॉर्मूले से बनाया गया है यार, लाजवाब है ये। इसे आपको ज़रूर बाय करना चाहिए, बहुत ही इजीली ये ब्लेंड हो जाता है, और आपको बताऊँ बहुत ही क्रीमी और स्मूद टेक्सचर वाला ये स्टिक आपको मिलता है। इससे बेस बहुत अच्छा फिनिशिंग से लगता है। इनफैक्ट ये जो बेस है बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है, कम से कम 13 से 14 घंटे ये बेस टिक जाता है और बहुत अच्छे से सेट होता है, और आपके फेस पे जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं ना ये सबको छुपा देता है, बहुत अच्छा है। चलिए बेस को सेट करने के लिए मैं मेबेलिन का लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत अच्छा पाउडर है, ये ऑयल को कंट्रोल करता है और मेकअप काफ़ी ज़्यादा टाइम तक टिकता है इससे भी। आईब्रो को फिल करने के लिए मैं पर्पल का आईब्रो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें आपको ब्राउन और ब्लैक दोनों शेड्स मिल जाते हैं, दोनों शेड्स डीप हैं, हाईली पिगमेंटेड हैं और ईजिली ब्लेंड भी हो जाते हैं। आईब्रो काफ़ी अच्छे से सेट हो जाती है, और दोनों ही शेड्स लॉन्ग लास्टिंग भी हैं और स्मच प्रूफ भी आपको मिलते हैं। आई शेडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पल का जेम स्टोन लव आई शेडो पैलेट। इसमें आपको 4 शेड्स मिल जाते हैं। अब मैं लाइट पिंक और डार्क पिंक दोनों शेड्स को लेके आईज को डेप्थ देने के लिए मैट वाले जो शेड्स हैं उनको अपने आईज पे लगा रही हूँ। अल्ट्रा पिगमेंटेड फॉर्मूले से ये आई शेडो पैलेट बनाया गया है, और अब ये ब्यूटीफुल मेटालिक सा जो शेड है उसको मैं अपने आईज पे अप्लाई करूंगी थोड़ा थोड़ा सा शाइन देने के लिए। लॉन्ग लास्टिंग शेड्स आपको मिलते हैं, इजीली ब्लेंड हो जाते हैं और बहुत प्यारे शेड्स हैं ये। लगने के बाद में आई का जो लुक है वो बहुत अच्छा लगता है। लाइनर और काजल लगाने से पहले मैं हमेशा ब्लश लगाती हूँ, और ब्लश भी मैं पर्पल का ही यूज कर रही हूँ। चिक किस क्रीम टू पाउडर ब्लश स्टिक है, ये शेड है क्रिम्सन किलर। ब्लश का टेक्सचर भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मिलता है, ब्लश आपको काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड मिलता है, इजीली ब्लेंड भी हो जाता है, और आप देखेंगे तो शाइनी और डूवी लुक आपको मिलता है दोनों चीक्स पे, बहुत प्यारा लग रहा है लगने के बाद में।
लाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पल का पेन आईलाइनर, ब्लैक शेड में है, और ये वन स्वाइप में आपको बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन देता है। वाटरप्रूफ आपको मिलता है, स्मच प्रूफ लाइनर आपको मिलता है, और अल्ट्रा पिगमेंटेड मिलता है। ये भी आपको, आप देख सकते हैं कितना फिनिश से ये लग गया सिर्फ एक बार में। अब काजल मैंने यूज किया है L18 का, मेरा फेवरेट। अब हाइलाइटर जो मैं यूज कर रही हूँ ये भी पर्पल का, मैं लिट ग्लो क्रीम टू पाउडर हाइलाइटर स्टिक यूज कर रही हूँ, और ये थोड़ा सा ना पिंकिश पिंक और सिल्वर मिक्स शेड का हाइलाइटर है। बहुत एक्सट्रीम पिगमेंटेड आपको मिलता है और बहुत क्रीमी और बहुत स्मूथ टेक्सचर आपको इसका मिलता है। ये भी लॉन्ग लास्टिंग है, और आप देखो मैंने हल्का हल्का सा ही लगाया मेरे फेस पे, लेकिन कितना ज्यादा ग्लो आ गया मेरे चेहरे पे। नेक्स्ट जो है ये मेरे मेकअप लुक का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आता है। ये पर्पल का VV5 मैक्स वॉल्यूम मस्कारा है, और ये मस्कारा एक्स्ट्रा वॉल्यूम देता है आपके लैशेस को। वाटर रेजिस्टेंट आपको मिल जाता है, स्मज प्रूफ मस्कारा आपको मिलता है, और बहुत 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 बढ़िया एप्लीकेशन है इसका। इसका एप्लीकेटर भी बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से बहुत फाइन लेयर लगती है मस्कारा की। और अब लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं लगा रही हूँ पर्पल की मिनी लिक्विड लिपस्टिक, और मेरा जो शेड है वो है शेड नंबर 20, माय फर्स्ट गॉसिप, और ये बहुत प्रिटी शेड है। ये लिक्विड लिपस्टिक भी आपको हाईली पिगमेंटेड मिलती है, लॉन्ग लास्टिंग मिलती है, स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ आपको मिल जाती है, और कुछ भी खाएं पिए बिल्कुल भी नहीं निकलती है। तो चलिए लुक को कंप्लीट करने के लिए लगा लेते हैं सिंदूर, और मैंने पहन ली है अपनी ज्वेलरी, अपना सूट, अपना मंगलसूत्र, सब कुछ रेडी है, और ये है मेरा फाइनल लुक। एंड आई रियली होप आपको ये लुक काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो बाय करने के लिए सारे प्रोडक्ट्स के लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, भूलिएगा मत। मेरे पास में पर्पल की एक और मिनी लिक्विड लिपस्टिक है, इसका भी मैं आपको टेक्सचर वगैरह दिखा देती हूँ। ये भी बहुत ज्यादा स्मूद है, और ये थोड़ा सा रेड शेड में आपको मिलती है। मैंने पिंक लगाई है, अगर आपको रेड लगानी हो तो आप ये भी ले सकते हैं। ये बहुत सुंदर बहुत प्रिटी रेड शेड है, आप देख सकते हैं। और बात करें आई शेडो की लुक की, तो आई शेडो मैंने इस पैलेट से क्रिएट करके आप लोगों को दिखाया है, और इसमें जो ये शेड्स है ये काफी ज्यादा पिगमेंटेड है, और वो मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ कि ये देखिए इनका पिगमेंटेशन कितना ज्यादा अच्छा है, सुपर। इसमें आपको दो मेटालिक शेड मिलते हैं, दो मैट शेड्स मिल जाते हैं, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। सी तो मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स आप लोगों को रिकमेंड किए हैं डेफिनेटली वो काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, तो एक बार ट्राई करके देखिए, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, फिलहाल ये तीन शेड्स में लॉन्च हुआ है मीशो पे, और एक्सट्रीम ट्रेंडिंग में है तीनों के तीनों शेड। इसमें आपको मिलता है ब्लैक, आपको मिलता है येलो, और मिलता है स्काई ब्लू शेड। और ऑब्वियसली आप लोग जानते ही है कि मेरे चैनल पे जैसे मैं ब्लैक को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, ब्लैक शेड के कुर्ता सेट्स बहुत सारे लोगों को पसंद है, तो मैं तो ब्लैक ही चूज करने वाली थी। तो ये है ब्लैक कलर का कुर्ता सेट। इसकी नेकलाइन काफी ज्यादा सुंदर डिजाइन की गई है, आप देख सकते हैं कितने कलरफुल टैसल्स हैं जो आपको नेकलाइन में लगा के दिए गए हैं। डोरी के साथ में भी आपको टैसल मिल जाता है, और नेकलाइन में आपको बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड वर्क मिल जाता है। ये सेट मैंने अंडर 1000 रुपीज बाय किया है, एंड डेफिनेटली अगर आपके घर में कोई भी पार्टी वगैरह है तो उसके लिए आप इस सेट को बाय कर सकते हैं। रेयॉन मटेरियल का है, और क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है। यहाँ देख लेते हैं डिजाइन, आप देखो कितना ब्यूटीफुल बनाया गया है। ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ये सिल्वर गोटा पट्टी लेस है जो लगा के दी गई है इस तरीके से कुर्ते के फ्रंट पे, और डिजाइनर तरीके से डिजाइन किया गया है कुर्ता सेट को, और काफी प्रिटी लग रहा है। मैंने मीडियम साइज में इसे बाय किया है, और एम साइज मुझे परफेक्ट आया है। यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से स्लीव्स में भी आपको सिल्वर गोटा पट्टी का काम देखने के लिए मिलेगा। ये जो कुर्ता सेट है ना ये येल्लो में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, और स्काई ब्लू शेड में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, और मैंने स्काई ब्लू का भी ऑर्डर प्लेस किया है क्योंकि मुझे वो भी बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था, तो आगे हॉल वीडियो में वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और नेकलाइन में आपको ये थ्रेड वर्क की एम्ब्रॉयडरी के साथ में फॉल्स मिरर्स की डिटेलिंग भी देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से ये सेट जो है और ज्यादा गुड लुकिंग हो जाता है। इसके साथ में रेयॉन मटेरियल का आपको ब्लैक शेड का बॉटम मिलेगा इस तरीके से, और बॉटम को भी बहुत खूबसूरत डिजाइन किया गया है। नीचे बॉटम में भी आप देखिए टैसल्स लगा के दिए गए हैं ब्लैक कलर के, और सिल्वर गोटा पट्टी की लेस जो है वो लगा के दी गई है। बॉटम में टैसल्स मैंने कभी नहीं देखे थे इससे पहले, पर आप यहां देखो बॉटम में भी टैसल्स लगा के दिए गए, बहुत ही खूबसूरत है। चुन्नी गजब की है यार, चुन्नी की वजह से पूरा इस सूट का ना गेम चेंज हो जाता है, पूरा लुक चेंज हो जाता है, और इस तरीके की ना डबल शेड की चुन्नियां मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो सिल्वर लेस लगा के दिया गया है, पूरे टैसल्स नीचे की तरफ लगा के दिए गए हैं, और इतना अच्छा पार्टी वेयर सेट अंडर 1000 रुपीज मिल रहा है, कमाल है कमाल।
दुपट्टे का लंबाई चौड़ाई भी अच्छा है और ये बहुत खूबसूरत दुपट्टा है। ब्लैक और पिंक का कलर कॉम्बिनेशन गजब लग रहा है। तो ये सेट अगर आपको पसंद आए तो आप इसे बाय कर सकते हैं, ये मीशो से है और इसका कोड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट जो सूट मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो है सेम ब्रांड से, जिस ब्रांड का सूट मैंने अभी वेयर कर रखा है। ये ब्रांड मेरा फेवरेट ब्रांड है और इनकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए मैं बार बार सेम ब्रांड से आउटफिट्स मंगाती रहती हूँ। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ पार्टी वेयर सेट है रेड शेड में। इसकी नेकलाइन पे बहुत खूबसूरत सीक्वेंस के साथ में एम्ब्रॉयडरी करके दी गई है और ये सेट है फ्लिपकार्ट से। ये ब्रांड जो है मीशो पे भी अवेलेबल है, बट मीशो पे मैंने देखा, एक्चुअली जो सूट मैंने पहन रखा है ना ये मैंने मीशो से ही बाय किया था, फिर मैंने देखा कि ना ये मीशो पे 100-200 रुपए ज्यादा में सेल हो रहा है, इनफैक्ट फ्लिपकार्ट पे ये 800 में ही सेल हो रहा है। तो आपको अगर अब ये वाला सूट बाय करना हो तो आप इसे फ्लिपकार्ट से बाय करना, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे इसका प्राइस कम है, अंडर 1000 रुपीज आपको मिलता है। पार्टी वेयर सेट है, नेकलाइन में आप देख सकते हैं कितना ब्लिंक है, योक पार्ट जो है काफी सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है, एम्ब्रॉयडरी विद सीक्वेंस आपको देखने के लिए मिलता है। ये आपको कॉटन ब्लेंडेड मटेरियल में मिलता है, कॉटन सिल्क फैब्रिक में, तो आप ये देख सकते हैं फैब्रिक में आपको शाइन भी काफी अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है। और ये रेड जो है ना बहुत प्यारा रेड है, फैब्रिक में आप देखिए काफी अच्छा खासा शाइन है। कुर्ता सेट आपको कंफर्टेबल रहे इसलिए अंदर की तरफ आपको अस्तर भी लगा के दिया गया है और ये पार्टी वेयर सेट अंडर 1000 रुपीस बहुत अच्छा बाय रहेगा। अगर आपका सेम हेल्थ है तो इस ब्रांड में आपको एल साइज बाय करना है आपके लिए, मुझे एल साइज कंप्लीटली परफेक्ट आ रहा है। तो कुर्ते का मेजर हाईलाइट जो है वो है इसका ये खूबसूरत सा नेकलाइन, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ इसका दुपट्टा। इसका दुपट्टा ही सबसे ज्यादा प्यारा आपको मिलता है, आप देखिए ऑर्गेन्जा सिल्क मटेरियल का आपको दुपट्टा मिल जाता है। अभी ऑर्गेन्जा सिल्क मटेरियल काफी ज्यादा ट्रेंड में है, इनके सूट साड़ी स्कर्ट वन पीसेस सब कुछ ट्रेंड में चल रहा है, तो आपको ट्रेंड में पीछे नहीं रहना है, आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। ट्रेंड में रहना एक्चुअली अच्छी बात है, तो आप जरूर इस सेट को बाय कीजिए। और ये देखिए इस तरीके से आपको पूरा ऑर्गेन्जा सिल्क मटेरियल का बहुत सुंदर सा प्रिंटेड इस तरीके से दुपट्टा मिलेगा, जिसमें आपको अलग अलग तरीके के फ्लावर्स का प्रिंट जो है देखने के लिए मिलता है, बहुत प्यारा है। और इस तरीके से आपको इसका कॉटन सिल्क ब्लेंडेड मटेरियल का बॉटम मिलता है, ये आप देखिए ये है इसका बॉटम। बॉटम में आपको इलास्टिक लगा के दी गई है, पहनने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा और बॉटम में नीचे की तरफ आपको इस तरीके से लेस का जो काम है वो करके दिया गया है, पैंट स्टाइल आपको बॉटम मिलता है। ओवरऑल वेरी प्रिटी सेट इन वेरी अफोर्डेबल प्राइस अंडर 1000 रुपीस, फ्लिपकार्ट से आप चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, घर में शादी है हल्दी के लिए कुछ देख रहे हैं तो ये वाला कुर्ता सेट बाय कीजिए, ये बहुत प्यारा है। इसमें आपको शॉर्ट कुर्ता मिलता है, ब्यूटीफुल सा बॉटम मिलता है और बहुत प्रिटी दुपट्टा आपको मिलता है। यह आपको कॉटन रेयन ब्लेंडेड मटेरियल का कुर्ता शरारा सेट मिलेगा और ये बहुत कंफर्टेबल रहेगा पहनने में। ये जो सेट है इसके साथ में आप फ्लोरल ज्वेलरी भी पेयर कर सकते हैं या कोई नॉर्मल ज्वेलरी भी अगर आपके पास में हो तो वो भी आप पेयर कर सकते हैं। प्रिंटेड मिलेगा नेकलाइन, आप देखिए कितनी सुंदर डिजाइन की गई है, इस तरीके से आपको पान का शेप का नेकलाइन मिलता है। सेंटर में यहाँ आपको बटन्स दिए गए हैं कॉटन के, फिर यहाँ से एक लूपी के डिजाइन में एक नेकलाइन डिजाइन की गई है और इस तरीके से इसे जैकेट का लुक दिया गया है कि आपने कुर्ती के ऊपर जैकेट पहना हुआ है, तो ये इस तरीके से काफी सुंदर येल्लो व्हाइट और पिंक के कलर कॉम्बिनेशन में आपको कुर्ता सेट मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए डोरी मिल जाती है आपको बांधने के लिए, देख लेते हैं खिंच के टाइट भी होता है क्या, तो नहीं टाइट नहीं होगा, बस ये फैंसी डोरी दी गई है नॉट बांधने के लिए, थोड़ा स्टाइल के लिए। आप देख लेते हैं ये आपको मिल जाता है इस तरीके से घेर वाला कुर्ता, जिसमें आपको कुछ इस तरीके से प्रिंट भी मिलेगा। नीचे की तरफ आप देखिए गोल्डन सिल्वर गोटा पट्टी का लेस का काम आपको मिल जाता है, तो ये हो जाता है सेमी पार्टी वेयर सेट। ये सेट आपको मिलता है 1000 रुपीज का, डेफिनेटली वर्थ इट है, बहुत प्यारा है। आप यहां देखिए बैक साइड से भी आपको कुछ इस तरीके से प्रिंट मिलेगा और बहुत ही खिला खिला प्रिंट है, बहुत प्यारा लग रहा है ये पहनने के बाद में। मैंने इसमें कौन सा साइज बाय किया है, मैंने इसमें एल साइज बाय किया है और मुझे थोड़ा लूज आ रहा है, तो अगर सेम हेल्थ है तो आप मीडियम बाय कीजिएगा। और इस तरीके से ये कुर्ते में आपको बैक साइड में भी प्रिंट के साथ में लेस मिल जाता है, दुपट्टा भी इसका खूबसूरत है। और यहाँ पे देखते हैं स्लीव्स, बेल स्लीव्स मिलेंगी, स्लीव्स में यहाँ पे बॉर्डर की डिटेलिंग मिलती है, तो इस तरीके से घेर वाली बेल स्लीव्स मिलती हैं और बेल स्लीव्स में यहाँ पे भी गोटा पट्टी की लेस का काम करके दिया गया, बहुत सुंदर डिजाइन किया गया है। इस तरीके का कुर्ता सेट अगर आप लोकल मार्केट में लेने के लिए जाएंगे तो 1000 रुपए का मिलता ही नहीं है,
बिल्कुल भी नहीं मिलता है। क्वालिटी फैब्रिक की बहुत अच्छी है, हाथ में पकड़ के ही पता पड़ता है कि कितना अच्छा वाला कॉटन रेयन ब्लेंडेड मटेरियल है, चीप वाला नहीं है जो जल्दी खराब हो जाता है, धुलने के बाद में फट जाता है, वैसा नहीं है, हैवी रेयन मटेरियल है ये। और इस तरीके से आपको इलास्टिक लगा हुआ इसमें शरारा मिलता है बेसिक पिंक शेड का, और ये है शरारे का एक सिंगल लेग में स्पेस। और नीचे की तरफ आप क्लोज लुक देख लीजिए, ये नीचे आपको लेसिस का बॉर्डर का डिटेलिंग भी मिलता है। और ये है इसका खूबसूरत सा दुपट्टा जो आप ट्रायल में देख ही चुके होंगे, ये प्योर कॉटन मटेरियल का आपको पूरा दुपट्टा मिल जाता है सुंदर सा। और यहाँ पे आप देखिए कितना चौड़ा चौड़ा लेस का काम है जो दुपट्टे के चारों तरफ आपको मिलता है। तो पैसे पूरे वसूल है अगर आप 1000 रुपया लगाते हैं और इसे बाय करते हैं तो। हल्दी में डेफिनेटली आप पेयर पहनेंगे ना तो लोग पूछेंगे कि कहाँ से बाय किया, इतना प्रिटी सेट है ये। इसका कोड आपके लिए है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट पार्टी वेयर गाउन की तरफ बढ़ते हैं, और इसका ऑब्वियसली फोटोग्राफ आपने थंबनेल पे देखा है, और ये फाड़ू गाउन आया है, फाड़ू। ये मैंने लिया है अंडर 1300 रुपीज, और उसके हिसाब से ब्यूटीफुल मिला है, ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा है। एक तो इसके कलर कॉम्बिनेशन पे ही आपका दिल आएगा। ये आप देखो, यहाँ पे ऊपर की तरफ मैं आपको बताती हूँ, पूरा जॉर्जेट मटेरियल लगा के दिया गया है, अंदर की तरफ ट्रांसपेरेंट ना रहे इसलिए यहां तक आपको इसमें यहाँ पे अस्तर भी लगा के दिया जाता है। अब ये आप देखिए, पूरा ब्लिंक देखो गाउन में, क्या पीस दिखा रही हूं मैं आपको, एम्ब्रॉयडर्ड वर्क के साथ में पूरा सीक्वेंस है जो स्टिच करके नेकलाइन पे दिया गया है। इतना सुंदर गाउन अंडर 1300 रुपीज नहीं मिलता है लोकल मार्केट में भी। और मैं आपको बताऊं, गाउन का क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा है, एक्सट्रीम अच्छा है। मैंने अंडर 1300 रुपीज मीशो से इस तरीके का गाउन एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी क्वालिटी में मिलेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये है गाउन का नेकलाइन फ्रंट का। नीचे की तरफ आप देखिए इस तरीके से प्लीट सेक्शन आपको मिलता है, और अब इसकी ब्यूटी और ज्यादा एनहेंस हो जाती है क्योंकि नीचे जाते जाते ये आपको इस तरीके से डबल ट्रिपल शेड में मिलता जाता है, और जिसकी वजह से इसका लुक जो है ना अमेजिंग आता है, अमेजिंग। इसके अंदर आप देखिए ट्रांसपेरेंट ना रहे इसलिए पूरा आपको अस्तर भी लगा के दिया गया है, अच्छे फैब्रिक का अस्तर है। बैक साइड को भी पूरा अच्छे से कवर किया गया है, बैक साइड को भी छोड़ा नहीं गया। इस तरीके से आप देखिए पूरा बैक साइड में भी आपको एम्ब्रॉयडर्ड वर्क की डिटेलिंग मिल जाती है विद सीक्वेंस, अमेजिंग चीज मिल रही है आपको इतने कम प्राइस में। इसका कोड दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको कोई बर्थडे पार्टी अटेंड करनी है, कोई गेट टुगेदर अटेंड करना है, या आपका बर्थडे आ रहा है ना, इसे लो आप, ये बहुत ज्यादा प्यारा गाउन है। और बैक साइड में भी सेम डिजाइन को रिपीट किया गया है, प्लीट सेक्शन से लेके नीचे की तरफ आपको शेड्स में चेंज देखने के लिए मिलेगा, और आपको घेर बरकरार रहा है। यहां देखिए अंदर की तरफ आपको कैनकिन भी लगा के दिया गया है, सॉफ्ट कैनकिन, तो पूरा पैसा वसूल है। शोल्डर्स कई बार झलकते हैं लोगों के, तो शोल्डर को झलकने से बचाने के लिए आपको डोरी के साथ में टैसल भी मिल जाता है। तो ये प्रिटी सा गाउन आपको मिलता है अंडर 1300 रुपीज, और इससे आपको इस हॉल में से जरूर बाय करना ही चाहिए क्योंकि इतना प्यारा गाउन आपको नहीं मिलेगा इतने कम प्राइस में। चलिए नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये सूट भी सेम ब्रांड से है जिसका मैंने अभी सूट पेयर वेयर कर रखा है। ये ब्रांड अपने आप में कमाल का है, इनके डिजाइंस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए मैं बार बार शॉपिंग करती हूँ और इनके आउटफिट्स को मंगाती हूँ। इनके पार्टी वेयर सेट्स की जो क्वालिटी होती है ना, और जो डिजाइन्स होते हैं, वो एक अलग ही लेवल पे होते हैं, मतलब बहुत प्रिटी रहते हैं और आपको रीजनेबल भी मिल जाता है। इसलिए ये ब्रांड जो है आप सभी लोगों को ट्राई करना चाहिए अगर आपने अभी तक इस ब्रांड में शॉपिंग नहीं की है तो। तो यहाँ पे अब मैं आपको एक टील ब्लू शेड का कुर्ता सेट दिखाती हूँ। ये शेड अभी मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ आपको ये कट स्लीव्स वाला मिल जाता है कुर्ता सेट। आप अंदर देख लेती हो कि क्या इसमें एडिशनल स्लीव्स प्रोवाइड की गई है, तो इसमें अंदर की तरफ कोई एडिशनल स्लीव्स नहीं है। तो कट स्लीव्स अगर आप पहनते हैं तो आप इसे ट्राई कीजिए सूट को। नेकलाइन पे अगर आप देखेंगे फ्रंट सेक्शन में, तो इस तरीके से आपको व्हाइट थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी दी गई है, और पूरा गोल्डन थ्रेड से भी एम्ब्रॉयडर्ड वर्क आपको देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके का सेट आपको अंडर 1000 रुपीज मिल जाएगी, बहुत बड़ी बात है। ये आप देख रहे हैं टील ब्लू शेड में है, पॉली कॉटन मटेरियल का है, फैब्रिक में एक्सट्रीम शाइन है। एक बहुत चीप क्वालिटी का पॉली कॉटन मटेरियल आता है जो बहुत ही अनकंफर्टेबल रहता है जब हम वेयर करते हैं, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी वाला है। इसमें आपको अस्तर भी लगा के दिया गया है इसलिए डिसकंफर्ट होने का कोई चांस नहीं है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है जो मैं आपको दिखा रही हूँ।
ये आप देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको पूरा स्टार्ट टू एंड तक पूरा इस तरीके से फ्रंट में व्हाइट थ्रेड से और गोल्डन थ्रेड से इतना ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडर्ड वर्क देखने के लिए मिलेगा। और थ्रेड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कहीं से भी थ्रेड्स इधर उधर निकल नहीं रहे हैं। नीचे की तरफ देखिए कितना ह्यूज आपको बॉर्डर बना के दिया गया है। ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत सेट है, वो भी इतने ज्यादा रीजनेबल प्राइस में। ये है इसका बॉटम, बॉटम में आपको अस्तर लगा के नहीं दिया गया है। बॉटम में आपको फ्रंट में बेल्ट मिलती है, बैक में इलास्टिक मिलती है। बट डोंट वरी, जो सेट अभी मैंने पहन रखा है और जिसको मैं पहन के शूट कर रही हूं, इसके बॉटम में भी ये अस्तर नहीं लगा हुआ है। घर में एसी बंद है, दोनों पंखे बंद है, क्योंकि मैं शूट कर रही हूं और मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है, कोई इचीनेस नहीं हो रही है। तो अगर बॉटम में आपको अस्तर नहीं भी मिलता है तो आप बेफिक्र रहिए, कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। इस तरीके से इसका दुपट्टा मिल जाता है और दुपट्टे के चारों तरफ आपको क्रोशिया का लेस का काम मिल जाता है। अब इतना सुंदर सेट अंडर 1000 रुपीज मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। चलिए, अब जो मैंने कुर्ता सेट वेयर कर रखा है, ये ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे रिव्यू कर चुकी हूँ, लेकिन स्टिल आपके लिए इस वीडियो में फिर से रिव्यू कर देती हूँ। ये जो सेट है ये मैंने एल साइज में बाय किया है। ये भी आपको कॉटन सिल्क ब्लेंडेड मटेरियल का ही मिलता है। ट्रायल में आपके लिए यहाँ स्क्रीन पे लगा रही हूँ। इसका योक पार्ट जो है बहुत खूबसूरत डिजाइन किया गया है। पूरी नेकलाइन में अगर आप देखेंगे तो सीक्वेंस का काम है एम्ब्रॉयडर्ड वर्क के साथ में। और ये सबसे बेस्ट आउटफिट था जो मुझे लगा इस ब्रांड में। मैंने कहा यार इतना सुंदर नेकलाइन और क्या चाहिए। और पूरा आप देखेंगे तो वुवन डिजाइन का काम आपको देखने के लिए मिलता है। ये बैंगनी शेड का कुर्ता सेट है, जो कि मार्केट में शेड ही बहुत ही कम अवेलेबल होता है, इसलिए ये शेड अगर आपकी वार्डरोब में नहीं है तो आपको इस सेट को जरूर बाय करना चाहिए। क्योंकि ये जो शेड है ना, ये अपने आप में इतना यूनिक है ना कि आप पहनते हैं ना, उसके बाद में आपका लुक ऑटोमेटिकली एनहेंस हो जाता है, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। और साथ में आप देखिए शेड के साथ में आपको इतना सुंदर नेकलाइन मिलता है। पूरे कुर्ता सेट में आपको वुवन डिजाइन का काम मिल जाता है। पिंक शेड का वुवन डिजाइन वाला बेसिक आपको इस तरीके से दुपट्टा मिल जाता है। दुपट्टे में आपको सुंदर से टैसल्स भी मिल जाते हैं। तो हर चीज का इस कुर्ता सेट में ध्यान रखा गया है। पिछले हॉल वीडियो में से काफी सारे लोगों ने इसका जो ऑर्डर है प्लेस किया है कुर्ता सेट का, कुछ लोगों को रिसीव भी हुआ है और कुर्ता सेट लोगों को काफी पसंद आया है। ये सेट मीशो पे थोड़ा ज्यादा प्राइसिंग में है, 1100-1200 रुपए का है। बट ये सेट भी अगर आप फ्लिपकार्ट से बाय करते हैं तो ये आपको कुछ 800 रुपीज का मिलता है। और उसमें आपको क्वालिटी जो मिलती है ना, आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि इतने कम प्राइस में आपको इतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। तो अगर आप इस सेट को भी बाय करना चाहें पार्टीज के हिसाब से तो आप कर सकते हैं। पार्टीज में वेयर किया हुआ ये बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सो दैट्स इट, यही है मेरा आज का इंटरेस्टिंग हॉल वीडियो। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए हॉल वीडियो में नए कलेक्शन के साथ में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।